जब परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे ना, तो भागवत की महिमा इतनी है कि देवता लोग भी अमृत लेकर चले आए सौदा करने के लिए कि महाराज ठहरिए ठहरिए, जरा आप परीक्षित को इसलिए भागवत सुना रहे हैं क्योंकि इसको श्राप लगा है ना। तो कहा कि हां, जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं इसलिए भागवत सुना रहे हैं ना। सुखदेव जी ने कहा कि हां। देवताओं ने कहा महाराज ये अमृत लेकर आए, आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, 7 दिन तो क्या महाराज कभी मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे। सौदा बड़ा अच्छा था। कहा कि महाराज ये अमृत आप सुखदेव जो है परीक्षित को पिला दें, लेकिन परीक्षित महाराज जो अमृत पीने जा रहे थे भागवत अमृत, वो परीक्षित को न पिलाकर हम सबको पिला दें। एक सौदा, हम आप होते तो तुरंत कहते हाँ हाँ महाराज, हमको लगता कि ये देवता मूर्ख हैं, हम विद्वान हैं, हम बुद्धिमान हैं, अमृत ले लेते हाँ और भागवत अमृत दे देते। लेकिन राजा परीक्षित की बुद्धि तो देखो, उनका विवेक तो देखो, 7 दिन में ही जिसको मरना है वह व्यक्ति भी क्या विवेक की बातें की। कहा महाराज इनका वाला अमृत पीऊंगा तो अमर जरूर हो जाऊंगा, लेकिन अभय नहीं होऊंगा, निर्भय नहीं होऊंगा, भय तो जीवन से जाएगा नहीं। और आप वाला अमृत पीऊंगा महाराज तो भले ही 7 दिन ही बचूं, लेकिन मौज में जीऊंगा महाराज, निर्भय होकर जीऊंगा, फिर मुझे कोई किसी का डर नहीं होगा। जिस जीवन में, जिस जिंदगी में भय ना हो वो जिंदगी ज्यादा अच्छी है साहब। ये 2 नंबर का काम करने वाले जो बड़े बड़े पैसे वाले हो जाते हैं ना, अपने बंगलों में भी बैठे होते हैं तो रात को नींद नहीं आती डर के मारे, क्योंकि गलत काम किए होते हैं। गलत कर्म करने वाला कभी भी निर्भय नहीं होता है, हमेशा भयभीत होता है, डरा रहता है, सहमा रहता है, इसलिए नींद नहीं आती, तो नींद की टेबलेट लेनी पड़ती है। और साधु महात्माओं को देखो, गंगा के तीर पर भी पड़े होते हैं तो क्या खर्राटे लेते रहते हैं मस्ती में, क्या गहरी निंद्रा होती है हाँ। वहां कोई मोटे गद्दे नहीं होते हैं, कोई पिलो नहीं होता है, कोई बढ़िया कोई मखमली चादर नहीं बिछी होती है, बालू कणों पर, रेत पर, कभी कभी तो पर्वत चट्टानों पर क्या मस्ती में सो रहे होते हैं। क्या कारण है? राम भरोसे जे रहे वो पर्वत पर हरिया है। जिसने कभी जीवन में बुरा ही नहीं किया, जो परमात्मा के भरोसे है उसे किस बात की फिक्र। भगवान राम कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसको निर्भय कर देता हूं, अभय कर देता हूं। जिंदगी वो अच्छी है साहब जिसमें कोई भय ना हो, निर्द्वंद होकर के इंसान विचरण करे, और ऐसा निर्भय बनाने वाला ग्रंथ कोई है तो श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत महापुराण की सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।